30,000 के आसपास रहती है पर डे आपके कस्टमर्स हैं जो फार्मर्स हैं, करीब 30,000 के आसपास हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 300 फार्मर जुड़े हुए हैं, 300 फार्मर्स हैं। इसमें हमारा ऐप है, ऐप में अगर हम इसको डालते हैं 1043, इसमें बताएगा 34 रुपीज़ सेंटर पे। स्टेनलेस स्टील SS504 की बॉडी है और इसमें अपने आप एक मोटर लगा हुआ है घुमाने के लिए। ये क्या भैया, पनीर का पानी है? पनीर का पानी फाड़ने के लिए। और ये हमारा काऊ मिल्क है और ये मिक्स मिल्क है। अपने सेहत से खिलवाड़ न करें, जब भी पिए शुद्ध दूध ही पिए। आइए हमारे प्रचार गाड़ी के पास, आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क एटीएम मशीन का दूध, शुद्धता, उच्च गुणवत्ता और बिना मिलावटी की मिल्क एटीएम मशीन का दूध। अभी सोचिए नहीं, आइए हमारे प्रचार गाड़ी के पास, देखिए फिर खरीदिए मिल्क एटीएम मशीन का दूध। ये सारे बटन्स हैं, ये हाफ लीटर का है, ये 1 लीटर का है, ये 2 लीटर का है, ये 1.5 लीटर का है, ये 250 ml का है, ये 750 ml का है और ये रुपीज़ का है, 50 रुपीज़ का है। इसमें बटन से क्लिक करने के बाद हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है कितना दूध इसमें फिल करिए। जैसे ये हाफ लीटर है तो ये कहता है कि प्लीज़ पे 500 ml प्राइस 22 रुपीज़। और ये RFID कार्ड है जिसमें से रिचार्ज इसके ऐप के थ्रू होता है और ये बैलेंस डिडक्ट करता है। बैलेंस डिडक्ट करने के बाद ये मिल्क डिस्पेंस करता है। अब ये 2 लीटर फिल होगा। ये 2 लीटर है, हमने 2 लीटर का दिया। हाँ, ये पेमेंट भी यहीं पे आ जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आ जाता है दूध। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यापार के बारे में जानकारी दूंगा जो कि आप गांव से शुरू कर सकते हैं। ना गाय है ना भैंस है, फिर भी डेयरी बिजनेस चला रहे हैं और 300 से 350 किसान जुड़कर रोजाना मुनाफा भी कमा रहे हैं और गांव को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भैया से कि ये व्यापार कैसा है और किस तरीके से यह चला रहे हैं। मेरा नाम वैभव नारायण राय है, मैं उत्तर प्रदेश आप जहाँ पे हैं बलिया नरही का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा, अंतिम शिक्षा दीक्षा UG अंडर ग्रेजुएट कोर्स जामिया हमदर्द दिल्ली और पोस्ट ग्रेजुएशन जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से कम्प्लीशन के बाद। हमारे पिताजी करीब 30 सालों से एक कोऑपरेटिव की तरह छोटी डेयरी चलाते थे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही देखा है। उसके बाद देखने के बाद हमने देखा दिल्ली में और भी बड़ी बड़ी डेयरियों पे हमने विजिट किया था, देखा था वहाँ पे ऑटोमेशन, वहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी यूज होती है। उन टेक्नोलॉजियों को देख के हमने पढ़ाई ख़त्म होने के बाद यहाँ उसको यूटिलाइज करने का दिमाग में एक प्रोग्राम बनाया और फिर इसको यहाँ पे आके अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे हमने कुछ टेक्नोलॉजी लेके आई, कुछ ऑटोमेशन, जिससे और भी कलेक्शन सेंटर बढ़ा, हमारा कलेक्शन लेवल बढ़ा और कस्टमर बेस भी बढ़ा, दोनों चीज़ें बढ़ी। मतलब एक फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों पे हमने काम किया नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप था फादर से, उससे करीब डेढ़ गुने से भी ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपेंड किया, जिसमें नंबर ऑफ़ कस्टमर फार्मर्स बढ़े, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स बढ़े जिनके हमें, और बाकी हमने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए ब्रांड भी बनाया। उस ब्रांड का नाम है नरही डेयरी, नरही इस गांव का नाम है जिसमें मैक्सिमम किसान जुड़े हुए हैं, और चूँकि एग्जिस्टिंग है इसलिए हमने नरही डेयरी रखा है। और फिर ये बाद में काम करते करते हमें नबार्ड के सहयोग से ये FPC फॉर्म हुआ। इस FPC का नाम है सुहाव नारायण फार्मर डेयरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब ये एक अम्ब्रेला कंपनी है, इसके अंतर्गत हम लोग कई काम करते हैं, जैसे डेयरी से रिलेटेड बाई प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, खोआ और पनीर जिसका भी हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, एक मिल्क ATM वैन जो कि UP में शायद हमारे इस इलाके में बहुत रेयरेस्ट केस में और इतने दिन तक जो चालू रहा वो हमारा पहला वैन था, जिसमें SS की मशीन है, स्टेनलेस स्टील लगी हुई है, RFID कार्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होती है, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, उसकी हाइजीनिटी बढ़ जाती है, जो भी रहता है भैया उसके पास एक प्योर मिल्क पहुँचता है जिसमें कोई भी कॉन्टैक्ट, ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं रहता है। पहला बेनिफिट उसका ये है। दूसरा बेनिफिट ये है कि उसमें
जैसे एक फार्मूला के थोड़ा सेटअप है, उसमें प्रोग्रामिंग की हुई है जिससे कि उसमें डिस्पेंसिंग क्वांटिटी है, क्वांटिटी एक्यूरेट रहती है, और जिसके अंदर ही कंज्यूमर के अंदर, कस्टमर के अंदर जो है एक हमारे प्रति जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इनका अच्छा है, इनका रेगुलर यही मापन रहता है। ये सब फ़ायदे रहते हैं जो कि हम लोग यूज़ किए हैं। और बाकी जो हमारे कलेक्शन में सिस्टम है उसमें कुछ ऑटोमेशन सिस्टम में हम लोग धीरे धीरे बदलाव कर रहे हैं, अब उसको डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारा किसान की जो मैनेजमेंट हम लोग डायरी के थ्रू करते थे, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके थ्रू हमने एक ऐप्स बनाया है नरही डेयरी के नाम से, जो हम लोग खुद यूज करते हैं। तो थोड़ा आपने डेयरी का घुमाएंगे कि क्या कैसे प्रोसेस है, सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें घुमाइए और बताइए। तो चलिए चलते हैं भैया के साथ, और यहाँ पे ये सारा कुछ थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे भैया आप क्या करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ ना कोई गाय है ना किसी प्रकार का पशु है, लेकिन फिर भी दूध आ रहा है और किसान ला रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल हुआ है? एक्चुअली ये कलेक्शन सेंटर है, या जी नहीं, 30 साल पुराना कलेक्शन सेंटर है, हमारे फादर चलाते थे, वो पराग के कोऑपरेटिव का हिस्सा थे जिसमें वो कलेक्शन करते थे और पराग को दूध उस समय सेल किया करते थे। जब हम लोगों ने देखा था इसका, तो एक कलेक्शन सेंटर बनाया, एक इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई, जब हम उनको दूध देते हैं तो कुछ मार्जिन ज़्यादा करके हम अपना भी दूध बेच सकते हैं। और हमारा प्रोसेस है लेने का कि कस्टमर को एक हमने यूनिक आईडी दे रखी है, जैसे ये कस्टमर की हमने एक डायरी दे रखी है, एक यूनिक आईडी कार्ड है 1043। अब ये 1043 है, इसमें हमारा ऐप है, ऐप में अगर हम इसको डालते हैं 1043, इसमें बताएगा उनका नाम कि राजवली है, इनकी दूध की क्वालिटी क्वान्टिटी ये रहेगी, ये सब सिस्टम है। तो आपने एक एप्लीकेशन भी डेवलप करा रखा है? जी। ओके, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी के साथ आप कर रहे हैं पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए अच्छा रहता है, और इसमें ह्यूमन एरर जो होते हैं, और रिकॉर्ड लाइव ट्रैकिंग भी हम कर सकते हैं, कितना हमारे पास दूध कलेक्ट हुआ। जैसे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उसमें बताएगा कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितना अभी तक मिल्क कलेक्ट हो चुका है, नंबर ऑफ़ फार्मर कितने तक ले लाते हैं, और जब हम ओवरऑल देखते हैं तो ये भी पता चलता है कि कब हमारा दूध डाउन हो रहा है, कब हमारा किस सीजन में दूध डाउन हो रहा है, कब कस्टमर्स डाउन हो रहे हैं, कब ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ों को हमको ईजिली हो रहा है। भैया थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे लोग आते हैं और आपका दूध कलेक्शन होता है? एक नंबर हमने असाइन कर रखा है जी, अब इनका हमने नंबर डाला 1031 जी, इनका डेटा निकल के आया। अब इनका काऊ मिल्क है 3.48 है, यानी 3.5 हम 0.8 से ऊपर जाता है किसी का दूध, तो उसको हम लोग यूजुअली 0.5 मान लेते हैं। अच्छा। 3.5 राउंड ऑफ कर लेते हैं, इनका दूध का क्वांटिटी हो गया 3.5, और यही हमने इवनिंग के टाइम में 14 तारीख को 3.5 लीटर, ये मॉर्निंग का होता है और ये इवनिंग का होता है। अच्छा। रिकॉर्ड कीप कर लेते हैं, हमारे पास भी रिकॉर्ड हो गया इनका। तो ये मिल्क के क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? एक ग्रेविटी सिस्टम पे ये काम करता है। अच्छा। ये पैरामीटर में जितनी जैसे दूध और जब हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो पानी का जनरली वेटेज रहता है वो लो होता है, और इसकी वजह से ये पैरामीटर जो है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मेजरमेंट मूवमेंट करता है। अच्छा। इसमें जैसे मीटर लगा हुआ है, ये मीटर एक तरीके से हर एक समय, हर एक टेम्परेचर, हर एक इन्वायरमेंट में अलग अलग रेट कर जाता है। हम लोग स्टार्टिंग जो अपने दूध कस्टमर्स आते हैं, अपने दूध आता है उसके हिसाब से दूध देखते हैं कि क्या पैरामीटर बताता है, और उसके बाद से हम एवरेज ले लेते हैं किस एवरेज के हिसाब से सबका दूध होना चाहिए। अच्छा। जैसे 5 लोग स्टार्टिंग के हमने अपने लोगों को देख लिया दूध, इतना दूध इसका लैक्टोमीटर पैमाना बता रहा है, 30 के आसपास बताता है, ये 28 डिग्री सेल्सियस का है, 28 डिग्री सेल्सियस के नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। जब इसका SNF निकालते हैं तो ये सब डेटा हमारे लिए यूजफुल होता है। अब ये हमने इसमें इसकी ग्रेविटी की वजह से इसमें स्केल बताता है हाँ कि कितना है ये। बिल्कुल। ओके, इसके बाद दूध को अपना बकेट में डाल देते हैं। बिल्कुल। ये हुआ है अभी। तो यहाँ पे जैसे कि गाय और भैंस दोनों तरीके के दूध आते हैं, तो दोनों को अलग अलग? हाँ, भैंस का दूध के लिए अलग रखे हैं क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। ओके। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम रहे हैं हमारे, 95% मिल्क जो है काऊ मिल्क है, 0.5% जो है ओनली फैलो मिल्क है, उसके लिए अलग सेपरेट करते हैं, उसके लिए अलग कंज्यूमर 30,000 रुपये है, फार्मर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जैसे हिसाब करके इनका 1043 का है, इनका काफ़ी जो है सुबह मॉर्निंग के समय सबमिट कर दिया इन्होंने, अब दोपहर तक हम लोग हिसाब करके इनका रखते हैं, जैसे इनको टोटल देना है 1296 रुपये देना है, इनका 8 दिन का हिसाब हो गया है, अब उनको हम लोग
एक डायरी पे मेंटेन करते हैं कि भाई 1298 रुपये इनको दे दिया है, उनका एक साइन ले लेते हैं कि हमने इनको पैसा दे दिया, और ऐसे करते करते इतनी सारी कापियाँ हैं जो आज जमा हुई हैं, और टोटल वैल्यू लगभग रहती है 30,000 के आसपास रहती है पर डे आपके कस्टमर्स हैं जो फार्मर्स हैं, करीब 30,000 के आसपास हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितने फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं? 300 फार्मर जुड़े हुए हैं, 300 फार्मर्स हैं, और ऑन एन एवरेज करीब हर समय किसी के पास रहता है दूध, किसी के पास नहीं रहता है दूध, तो वो करीब 200 के 200 सवा 200 कभी ज़्यादा भी होता है वो एक्टिव रहते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद कोई आता है कोई आता है, लेकिन ओवरऑल हमसे 350 फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये जो 300 फार्मर होंगे कि लगभग कितने एरिया में होंगे या कहाँ कहाँ से आते हैं? ये हमारे सेंटर से करीब 8 किलोमीटर रेडियस से लोग लेके आते हैं हमारे यहाँ। 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर फार्मर सारे आ जाते हैं? बिल्कुल सारे, मतलब कि जो अपनी सुविधा है जिनके पास समय है वो लोग लेके आते हैं। तो टाइमिंग क्या क्या आपने बना रखा है? इवनिंग में 5 बजे से स्टार्टिंग होता है। अच्छा। और शाम तक 8:30 बजे तक हम लोग रहते हैं, और सुबह के समय भी हम लोग कभी 4:30 से स्टार्ट होता है, और ऑन एन एवरेज 8 बजे तक रहते हैं हम लोग। और कोई किसान दूध लेके आता है, सेंटर एक्टिव रहता है, और उसके बाद 1 घंटे लगते हैं मैनेजमेंट करने में, रिकॉर्ड कीपिंग में, सब हिसाब किताब करने में 1 घंटे और लगते हैं। ये हमारे पास 2 प्रकार के इसमें कस्टमर्स आते हैं जो दूध लेते हैं, ठीक है। इसमें एक है जो मंथली बेसिस, और एक है डेली बेसिस, जो कैश देते हैं और दूध ले जाते हैं। जैसे ये दूध है, इसमें ग्राहक का नंबर है 102, हम ये रिकॉर्ड लिखते रखते हैं, और इसमें डेट वाइज है, इसमें हमारी डेयरी का नाम है। इस वजह से है कि हमने इसमें एंट्री करते हैं कि आज कोई सुबह कितना दूध ले गया, शाम को कितना दूध ले गया, अपने अपने पर रिकॉर्ड रखते हैं और दूध उनको देते हैं। और दूसरे कस्टमर होते हैं जो डेली बेसिस पे ले जाते हैं, वो अपना पैसा देते हैं ले जाते हैं। क्या रेट होगा दूध का? यहाँ पर 34 रुपीज़। 34 रुपीज़ सेंटर पे, और आप जो पहुँचा के देते हैं डोर पे, वहाँ क्या रेट होगा? डोर पे तो हम नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पे केवल यहीं पे आके लोग ले जाते हैं। जैसे हमारी मिल्क वैन में बलियाँ जाती है, उसका 44 रुपीज़ है। 44। तो अभी हमारे सामने बनने जा रहा है पनीर और खोआ, जिसमें भैया ने 30 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं, और आपके सामने इस मशीन में बनाएंगे पनीर व खोया, और पूछते हैं भैया से पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से इस मशीन से कार्य किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस रहता है। स्टेनलेस स्टील SS504 की बॉडी है जी। और इसमें अपने आप एक मोटर लगा हुआ है घुमाने के लिए, और नीचे जो है बर्नर लगा हुआ है, चूल्हा है, जिसको हम लोग एक लंबे वाले अपने लाइटर की वजह से जलाते हैं, और इसमें मूवमेंट की वजह से, और बाद यहाँ पे पत्तियाँ लगी हुई हैं रबड़ की, जो ये ऑटोमेटिक जो है नीचे भी जो है बॉडी में वो अपने आप जो है क्लीन करता है, जिसमें दूध जो लगने का सवाल, जिसको हम चलाते हैं कि दूध ना लग पाए, वो ऑटोमेटिक सिस्टम, वो मैनुअली सिस्टम ख़त्म। कि अब इसको हम चुपचाप देख वॉच करते रहेंगे कि कब कैसे हो रहा है, किस समय पर हमको बंद करना है, किस समय पर हमको क्या क्या यूज़ करना है, एक बेनिफिट ये इसका है। और इसमें आप दूध गर्म करके पनीर बना सकते हैं, कोई सी भी मिठाई दूध बॉयल करके बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, इवन घी का भी प्रयास करें, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, घी भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो एक मशीन से 3 काम? जी बिल्कुल। अच्छा, तो भैया इस मशीन की कॉस्ट क्या है योगी? ये अभी करीब करीब 80,000 के आसपास है। 80,000 जी। तो इसमें 3 प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते? बिल्कुल। और हम लोग जो है 2 प्रोडक्ट करते हैं, पनीर करते हैं और खोया बनाते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे बनता है। और यही दूध डाल रहे हैं, इसी दूध में से एक बॉइलिंग आ जाएगी तो हम पनीर के लिए अलग कर लेंगे, और फिर बाकी छोड़ देंगे, वो अपने आप खोया बनता रह जाएगा। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी दूध का? इसमें करीब हम मतलब ऑन एवरेज तो ऊपर 220 लीटर है, लेकिन 180 लीटर के आसपास हम लोग यूज कर सकते हैं आराम। 180 लीटर टाइम कितना लगता है पनीर बनाने में? अभी जैसा कि आप बता रहे हैं 30 लीटर दूध डाला है आपने, कितना टाइम लग जाएगा? ये करीब अब से मान के चलिए कि 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में बॉइलिंग आ जाएगी पनीर के लिए, हम निकाल लेंगे। अच्छा। 10 मिनट में ख़त्म। और इसके अलावा 15 मिनट लगेंगे आपका खोआ के लिए, जो बका हुआ दूध का अपने आप खोआ बन जाएगा। ये तो एक इलेक्ट्रिसिटी और गैस पे चलने वाला मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम करता है? 0.5 हॉर्स पावर है ये मशीन, मोटर लगा हुआ 0.5 का। यूजुअली जो ऐसे हमारे पास रहते हैं एसी वगैरह रहते हैं, जैसे हमारे कंप्रेसर है 2 हॉर्स पावर के। गैस कितना कंज्यूम हो जाएगा 30 लीटर के लिए? 50 से 60 ग्राम पनीर के लिए लगता है, अगर केवल पनीर बनाते हैं तो। खोआ बनाने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। अच्छा। वो डिपेंड करता है आप कितने क्वांटिटी डाल रहे हैं। तो ये अभी हो गया भैया बॉयल? बॉयल हो गया, पनीर के लिए बॉयल हो गया। अच्छा,
दूध बॉईल होने के बाद दूध को छन्नी से छान के निकाला जा रहा है पनीर के लिए। तो अभी भैया ने पनीर के लिए अलग दूध निकाल लिया है, बाकी ये जो दूध है अभी इसका खोया बनेगा, खोआ बनेगा और भैया उसका प्रोसेस चालू कर रहे हैं। ये क्या भैया पनीर का पानी है? पनीर का पानी फाड़ने के लिए। हाँ पनीर का पानी है जो कि फाड़ने के लिए यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे दूध फटने के बाद पनीर को कपड़े की मदद से छान के अलग किया जा रहा है। तो अब इसको पनीर को ताकि सारा पानी निकल जाए इसमें से और ये दबा के रख दिया गया। तो भैया अभी तो हमारा पूरा पनीर निकल के रेडी हो गया और ये दूध है ये क्या प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में बता दीजिए। खोआ के लिए हमने समय छोड़ दिया, ये जो है ऑटोमेटिक जो है इसमें से इतने सारे मॉइस्चर वाटर कंटेंट है वो उड़ जाएंगे। अच्छा बचेगा एक निश्चित समय पे हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं, इस समय पे हमें छोड़ने के बाद हमारा खोआ तैयार हो गया। इसमें मैनुअली अगर हम मशीन से ना बनाए तो हमें मैनुअली रगड़ना पड़ता है, एक व्यक्ति को उसमें डेडिकेटेड आदमी लगता है, हो सकता है एक से ज़्यादा आदमी लगे इसको। तो हम छोड़ दिए और हम दूसरा भी काम करते रहे जी, बस केवल समय समय पर देखते रहते हैं कि हाँ ये समय पर ही काम हो सकता है। एक साथ हम दो कर रहे थे, एक ऑटोमेशन मशीनें हैं इन वजह से हमें इजीली हमारी क्वांटिटी एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। अच्छा साथ ही साथ टाइम का भी बचत होता है। टाइम का भी बचत होता है। तो अभी भैया ने इसका फ्लेम बंद कर दिया और बता रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा धीरे धीरे इसकी थिकनेस, क्योंकि नीचे भट्टी है मिट्टी की जी, वो भी बहुत ज्यादा हीट हो रही है। अभी आप टच करेंगे आप इसके आसपास टच नहीं कर सकते। अच्छा तो उसकी वजह से और मूवमेंट की वजह से और जो बचा कुचा मॉइस्चर है उसका उड़ जाएगा और इसकी थिकनेस बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। अभी रेडी हो गया जी भैया? तैयार हो गया एकदम खोया। भैया ये कौन सी मशीन है और क्या इसका काम है? ये बटर मिल्क कूलर है, BMC जिसे कहते हैं। ये दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। दूध की क्वांटिटी जब दूध मिल्क इन्वायरमेंट में आता है तो उसमें लैक्टोज इन्वायरमेंट बैक्टीरिया धीरे से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर पैमाना है जिस पे दूध की इन्वायरमेंट बैक्टीरिया और लैक्टोज में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, मतलब एज इट इज़ आपका प्योर मिल्क रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें हमें प्रोक्योर करने पे 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करता है और ये 4 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी इन्वायरमेंट डिफेक्ट नहीं आते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, इस वजह से हमारा दूध जो है थोड़ी लॉन्ग पीरियड तक मेंटेन रहे। ये डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉपेज हो जाता है। अभी हमने इस पर पावर कनेक्शन ऑफ कर रखा है। ये 2 चैम्बर रखे हुए हैं और ये मूवमेंट होता रहता है मिल्क का, जिसकी वजह से इसमें जो रखा गया तो फैट जो है धीरे धीरे उसमें डेंसिटी की वजह से बैठने लगता है, लेकिन मूवमेंट की वजह से दूध में फैट नहीं बैठता है, वो मूवमेंट में रहता है जी। और ये हमारा काऊ मिल्क है और ये मिक्स मिल्क है, इसमें जो भी हमारे पास 8-10 लीटर दूध रहते हैं भैंस का वो मिक्स करके रखते हैं। और ये हमारा काऊ मिल्क है जो अभी हमने कलेक्ट किया है, वही कलेक्ट किया है और इसी को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला सेक्शन जो है सुबह पराग डेयरी पे जाता है। अच्छा पराग डेयरी पे जाता है। पराग डेयरी को आप सप्लाई करते हैं? जी जी पराग डेयरी जो बचे कुछ हमारे दूध रहते हैं जितना सेल हुआ सुबह और जो बचता है उसको हम पराग डेयरी। भैया ये मशीन की क्या कॉस्ट आई होगी? करीब 2.5 लाख का है। 2.5 लाख जी। ये SS बॉडी इसका भी है, स्टेनलेस स्टील बॉडी है, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ है 2 टन का जो इसके चिलिंग के लिए लगे हुए हैं, जैसे तांबे के वायर नीचे लगे हुए हैं, मूवमेंट की वजह से है, मूवमेंट की वजह से मिल्क की एक एक क्वांटिटी एक एक कण जो है उसमें चिल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से इसकी क्वालिटी और प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करने की थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ जाती है। भैया ये कितना लाइट कंज्यूम करता है? ये 2 टन आपके पास एक तरीके से जो AC हम लोग यूज़ करते हैं करीब उतना हमारा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और जितना हम टाइम चलाते हैं, और 12 वोल्ट ये जो है ये बैटरी से भी चल जाते हैं। अच्छा ये अपने फ़ैन, अभी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पे हमारे स्टाफ जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी पे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन का काम देखते हैं राजकुमार जी। डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, क्या नाम होगा भाई? राजकुमार।
भैया आप तो बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां आती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जिससे किसानों को दूध का मूल्य देते हैं, समय पे आपको देना रहता है, तो इस समय रहता है कि आपके पास भी वो पेमेंट आए। पेमेंट आने में हमें दिक्कतें आती है, कभी कभी लेट से आता है, लेकिन किसानों को हमें समय से देना पड़ता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से देना पड़ता है। तो वो मैनेजमेंट आपको अपने रेवेन्यू या अपने बैकअप से करना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो, आपको समय से किसान पैसा मांग दिया तो आपको देना है। थोड़ा सा आप अपने दिनचर्या के बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ, हमारा ही नहीं, हमारे यहाँ जितने लोग हैं सब लोग सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं। 3:30 बजे मतलब वर्किंग के लिए हो जाता है। आप उससे पहले फ्रेश होना है, आप उससे पहले उठना पड़ेगा, यानी 3 बजे आपको कैसे उठना है। आप 3:30 बजे से हम लोग मिल्क टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग होती है पहले मिल्क की, फिर मिल्क टेस्ट होने के बाद उसकी क्वान्टिटी मेजर की जाती है, और कितना उस दिन की क्वांटिटी की बलियां जो है हमारे मिल्क एटीएम वैन के लिए कितना जाएगा, उतना दूध करते हैं। तो गाड़ी में कितना लोड करते हैं हमारे? हम लोग करीब 450 लीटर दूध लेते हैं पर डे आता है जी। अच्छा, और ये थोड़ा सा कभी कभी बढ़ भी आता है, लेकिन 450 लीटर ऑन एन एवरेज हमारा पर डे का सेल। और यहाँ पे? यहाँ भी हमारा दोनों टाइम का मिल के करीब 450 लीटर सेल होता है। दो लोग उस गाड़ी पे जाते हैं, एक ड्राइवर के रूप में जाएंगे, एक असिस्टेंट के रूप में जाएंगे वहाँ पे, तो वो लोग हेल्प करेंगे। बाकी लोग यहाँ पे रहेंगे तो फिर कलेक्शन सेंटर में हम लोग 3 से 4 लोग, अभी 2 लोग कलेक्शन के लिए, 2 लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बलिया से आपका रिटर्निंग कब होता है यहाँ पे? बलिया हमारी गाड़ी यहाँ पे एग्जैक्टली 12:15 बजे के बाद पहुँचती है। 11 बजे तक हमारा लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 5 बजे हम लोग पहुँचते हैं, पहला स्टॉपेज जलालपुर में रहता है, चंद्रशेखर नगर होते हुए सबसे लास्ट जो है शनिचरी मंदिर, बलेश्वर मंदिर के पास हमारा लास्ट स्टॉपेज रहता है। फिर उसके बाद एक छोटा सा समय लगता है डेली काउंटिंग में, हिसाब करने में जितना समय लगे, और उसके बाद ओबियसली है अपना काम करके थोड़ा सा रेस्ट रहते हैं। फिर शाम को 5 बजे से सबको बिल्कुल शाम में फिर से हमारा कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है जी। कलेक्शन स्टार्ट में सेलिंग भी होती है, आपको जितने लोग पर डे का करीब 30,000 के आसपास ऑन एन एवरेज हम डेली पर डे किसानों को पेमेंट करना पड़ता है। अच्छा, तो दोनों तीनों काम चलता है आपका, प्रोक्योरमेंट चलता है, सेलिंग चलती है, किसान का पेमेंट चलता है जी। 3 काम चलता रहता है साथ ही साथ साइमल्टेनियसली। भैया अब तक का आपका अनुभव कैसा है इस लाइन में? अनुभव था कि हमारा रुझान इस तरफ था, घर पे देखे थे पहले से, पिताजी हैं इस लाइन में, तो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखा था, सीखा था, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नया चैलेंज है कि इसको आगे फिर कैसे एक्सपेंड करना है धीरे धीरे। कब से कर रहे हैं ये काम? 1987 से हम लोग जो है समिति के रूप में खोले थे पराग जी, और उसके बाद अनवरत काफ़ी दिनों तक चली, चलने के बाद बीच में पराग यहाँ बलिया का बंद भी हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फिर 2002 चल रही है, तो पहले तो हम लोग पराग की सोसाइटी के रूप में ही काम करते हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ पराग का सिस्टम आज की डेट में कुछ यहाँ का डैमेज है, हालांकि मात्र संस्था है इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं करते। ओके, यहाँ फिर हमने उसको कलासा दिखाई, फिर दूध करते हैं उसको भी कैसे करें। यहाँ लोकल जो हमारा बड़ा गांव है, आसपास के लोग यहाँ आते हैं दूध देने के लिए, आसपास के लोग देने के लिए। फिर हमने धीरे धीरे उसको नया ढंग से मार्केट में, जब आपको बताया जो वैभव आए जी, ये लोग अपने स्तर से शुरू किए। क्या करती है भैया, अपने टीम के बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारे बहुमूल्य सहयोगी लोग हैं। अच्छा, जिनके मतलब एक तरीके से करिए कि हमारे हाथ पैर हैं, और इन लोग के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरी डेयरी की क्षमताएँ आगे बढ़ रही हैं। राजकुमार जी हैं, विशाल जी हैं, और दोनों लोग अपने अपने फील्ड में, इनको आईटी सेक्टर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट और मैनेजमेंट तीनों काम देखना पड़ता है। इनको कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेजमेंट करना कि भैया आप कितने लोग दे रहे हैं, कौन कौन आपके रेगुलरिटी बेसिस हैं, इस मशीन को ऑपरेट करना इनका काम है। और कहीं भी बैकअप में हम लोग को दिक्कत आती है, कहीं भी बैकअप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो विशाल बाबू देखते हैं। ये हम लोग का पूरा ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टीम है। हम लोग मिलके लगभग 3 लोग चलाते हैं, और वहाँ आपने देखा कि 2 लोग केवल कलेक्शन सेंटर पे है, बाकी हम लोग भी उन लोगों को कभी कभी असिस्ट करते रहते हैं, और हमारे सुभाष जी साथ मिल ही चुके हैं जी। तो हम लोग लगभग 6 लोग हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग यहाँ पे अपना पूरा कारोबार डेयरी का देखते हैं। तो भाई जी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपने क्या किया हुआ है और कब से जुड़े हुए भैया के साथ? 2 साल से काम करते हैं हम। अच्छा, हाँ। तो भैया के साथ जुड़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा है।
तो भाई जी से पूछते हैं, भाई जी आप कब से जुड़े हैं भैया के साथ? हम जुड़े काफ़ी दिनों से हैं, बट इस टाइम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वही लगभग 2-2.5-3 महीने से। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप भैया? अभी आपको बताए जी, किसी उनका काम देखना या फिर कहीं भी कोई अगर मशीन की दिक्कत आती है तो बाकी खोआ पनीर और दूध का नाप तौल, प्लस अगर कोई अचानक से कोई मान लीजिए कोई छुट्टी पे चला गया तो गाड़ी का भी काम। अच्छा, मतलब सब कुछ आप लोग हैंडल करते हैं एक दूसरे की जगह पे। और इनका डाइवर्स मतलब एक तरीके से शौक है। इलेक्ट्रिकल का हमारा एक भी काम है जो कि कुछ भी है, जो एक यहाँ के टॉप मोस्ट नहीं कर पाते हैं वो ये काम कर लेते हैं। अच्छा। तो एक शौक है इनका इलेक्ट्रिसिटी का, कंप्यूटर का नॉलेज है, वो अपना जो ऐप मैनेजमेंट है वो वाला काम भी देखते हैं। ये गाड़ी लगभग कितने की खरीदी होगी आपने? ये हमारे करीब पड़ी थी 6.5 लाख के आसपास। 6.5 लाख जी। और ये जो पीछे मशीन देख रहा हूँ ये करीब 1.5 लाख के आसपास पड़ी थी। हम लोग करीब पूरा सेटअप 50 लाख रुपीस का सेटअप कर चुके हैं। दो गाड़ियाँ हमारे पास है, एक मिल्क ATM मशीन देखे हैं, BMC देखे हैं, हमारे पास खोया मशीन आपने देखा है, एक प्रोक्योरमेंट के लिए डीप फ्रीजर रखा हुआ है, और हमारे पास 3-3 एनालाइजर हैं जो कि सर्विस के लिए भी दिए हुए हैं। हालांकि उनका एक समय होता है, उस समय पे करीब उसकी कॉस्टिंग ही करीब 2 लाख रुपए थी। तो तीनों एक्चुअली अचानक की वजह से, दिक्कत आने की वजह से तीनों सर्विस में गए हुए हैं। एक गड़बर मशीन है जो यूजुअली हम लोग रेयरेस्ट केस में यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी मिल्क टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं उसको। तो ये ओवरऑल हमारा 50 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है जी अब तक का। कोई नया व्यक्ति अगर इस बिजनेस को करना चाहे तो क्या सजेशन देंगे आप उनको? एक पेशेंस रहना पड़ेगा, और दूसरा ये चीज़ कि आपको टाइमली रूटीनली आपको वर्क करना पड़ेगा, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको खुद लेबोरियस होना पड़ेगा कि आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है। आप ये नहीं है कि ये काम मैन पावर के बेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने बेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, फिर मैन पावर तो आप धीरे धीरे अर्न कर लेंगे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भैया आप कभी भी गैपिंग हो सके, कभी भी आवश्यकता पड़े तो आप हर एक काम आपको आता है तब आप इस काम पर। इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कुछ बताना चाहेंगे कि कितने से शुरू? इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में आपको मिनिमम करीब 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें ये एक तरीके से आपके मार्केटिंग में सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। आपको स्टेनलेस स्टील के ड्रम खरीदने पड़ेंगे, एक एनालाइजर खरीदना पड़ेगा, टेस्टिंग किट खरीदनी पड़ेगी, और आप किस मार्केट में आप बाई प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, रॉ मिल्क देना चाहते हैं, ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या सेल कर पा रहे हैं। इसमें ऑन एन एवरेज हो सकता है 5 लाख से कम भी पड़े, लेकिन मोटा मोटी आपको 5 लाख रुपये से आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले है कि आपको मार्केटिंग पे ध्यान देना होगा कि भैया हम 1 लीटर भी दूध हमारे पास आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग आउटपुट हो, हमें यहाँ दूध दे रहे हैं, और उसमें आपको ये रहे सिक्योरिटी रहे कि आपको कॉस्ट निकलता है। और चूँकि हम लोग टोटल कलेक्शन सेंटर बेस्ड हैं तो इसलिए हमारे पास पेमेंट आएगा तो ही हम पेमेंट कर पाएंगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, हमारे मार्केट में पैसे फंसे हुए होते हैं, चाहे बलिया में पराग में हम देते हैं, हमारे पैसे फंसे होते हैं। तो बैकहेंड के लिए हम अपने पैसे भी जो हमारे पास कुछ सेविंग के रहते हैं या फिर इकट्ठा रहते हैं तो हम तुरंत बेहिजक यूज़ करते हैं उसको। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें ये काम करना पड़ेगा कि कलेक्शन सेंटर हमें स्टार्ट करनी है, तीन चार बातों का ध्यान, कुछ बैकअप प्लान भी रखना पड़ेगा, और हमेशा छोटे से स्टार्ट करें। रिटर्न का क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि कितने दिनों बाद आएगा? रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आपके पास केवल इस बेसिस पे आप जब स्टार्टिंग करते हैं तो रिटर्न का देखेंगे तो आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिखेगा। कम से कम आपको आपके एक्चुअली मार्केट और कलेक्शन सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन में आप अपना एक मिनिमम एक्चुअली है कि आपके रिटर्न जो है मिलेगा, अब वो कब मिलेगा उसका कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए ये याद रखें कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, मिनिमम रिक्वायरमेंट उससे पूरा कर लेंगे, बाकी जो हमारा इन्वेस्टमेंट उसमें रहेगा, और जैसे जैसे एक्सपेंड होता रहेगा आपका मार्केट में पैसा फंसते रहेंगे, वो धीरे धीरे रिटर्न में आपको मिलता रहेगा, और आप अपने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है अपना अपना काम करते रहें। तो ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें बताई डेयरी से रिलेटेड, और आई थिंक सभी लोग बहुत अच्छे से इस जानकारी को लिए होंगे। अगर भैया आपसे कुछ हेल्प चाहिए लोगों को? बिल्कुल, हम लोग जैसे आपको हमने पूरा सिस्टम दिखाया, अगर कोई आके जानना चाहता है, जो लोग आते हैं उन सबको दिखाते हैं, बताते हैं कि आप लोग जाके कर सकते हैं। तो भैया ने बहुत ही काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, और आप इनसे मिल सकते हैं, एड्रेस भी आपको स्टार्टिंग में बता दिया गया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो व्यापार करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।